सबसे बड़ी चीज। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे, अगर तुम लोग इसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुना दी जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हम आपकी ये शर्त स्वीकार करते हैं, लेकिन पहले प्रश्न तो पूछिए। तो महाराज ने कहा, तो बताओ दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए, मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल के बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज तो भगवान ही है। तो दूसरा कहने लगा, तो नहीं नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार कर दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है, इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और मोहलत में लिए गए सभी दिन गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वे सभी बीरबल जी के पास पहुंचे और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सबकी जान बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूं। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम कराया। उन्होंने दो मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया, चौथे से अपने जूते उठवाए और स्वयं पालकी में जाकर बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा किया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। गरज का मतलब है जरूरत। अपनी जरूरत के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहां तक लेकर आए हैं। यह सुनकर महाराज मुस्कुराए और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख करके खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल की खिचड़ी। सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर अपने बगीचे में बीरबल और एक अन्य मंत्री के साथ टहल रहे थे। टहलते हुए बादशाह अकबर ने अपने मंत्री से कहा, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। महल से बाहर निकलने में ठंड से हालत खराब हो रही है। मंत्री ने बादशाह की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस साल तो इतनी ठंड पड़ रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। टहलते टहलते बादशाह अकबर बगीचे में बने तालाब के किनारे पर जा पहुंचे।
जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्हें एहसास हुआ कि पानी तो बर्फ जैसा ठंडा है। पानी से जल्दी से हाथ को बाहर निकालते हुए अकबर ने कहा, सही कह रहे हैं आप, इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा। बीरबल को चुपचाप देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, माफी चाहता हूँ हुजूर, इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अलग है, मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, अच्छा तो हमें भी बताइए आपका क्या ख्याल है। तो बीरबल ने कहा, हुजूर मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कितना ठंडा है या गर्म है। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, तो आप यह कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा जिससे उसे पैसा मिले। बीरबल ने कहा, जी हुजूर मैं यही कह रहा हूँ। बादशाह अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, अगर आपने बर्फ जैसे पानी से भरे हुए इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा करके इस बात को प्रमाणित कर दिया, तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। बादशाह की बात से सहमति जताते हुए बीरबल ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया। अगले दिन सभा में बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वो किसी आदमी को लाए हैं जो तालाब में खड़ा होकर पूरी रात बिता सके। इस पर बीरबल ने गंगाधर नाम के एक गरीब व्यक्ति को दरबार में मौजूद कर दिया और कहा कि यह 20 सोने के सिक्कों के बदले तालाब में पूरी रात बिताने के लिए तैयार है। बादशाह अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा, ठीक है, दो सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर से दरबार लगा और बादशाह ने बीरबल से गंगाधर के बारे में पूछा, बीरबल कहाँ है आपका मित्र, कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में। तो बीरबल ने कहा, महाराज वो यही है, मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। बादशाह की इजाजत मिलते ही बीरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा, हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फीले पानी में रहे और आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हो, यह तुमने कैसे किया, सभी को बताओ। तो गंगाधर ने कहा, महाराज शुरुआत में तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल में एक खिड़की पर एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। बादशाह अकबर ने चौंक कर कहा, तो यह तो धोखा हुआ, तुमने हमारे महल के जलते हुए दिए की गर्मी से सारी रात बिताई है, फरेबी कहीं के। तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस इनाम के भी हकदार नहीं हो। यह कहते हुए अकबर ने अपने सिपाहियों से गंगाधर को महल से बाहर ले जाने के लिए कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह फिर से सभा लगी। जब बादशाह अकबर सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे सिवाय बीरबल के। बादशाह ने एक सिपाही से पूछा, बीरबल कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि वो आज महल में नहीं आए हैं। बादशाह ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत बीरबल के घर जाए और उन्हें लेकर आए। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया। बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया, बीरबल अपने घर में खाना बना रहे हैं, उन्होंने कहा है कि खाना पूरी तरह पक जाने के बाद ही दरबार में आएंगे। सिपाही की बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी बीरबल ने महल आने में देर नहीं की थी। अकबर को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक ऊंची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी थी
और उसके नीचे जमीन पर लकड़ियां जला रखी थी। बादशाह अकबर आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने जवाब दिया, मैं अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहा हूं। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? तुमने हांडी को इतने ऊपर टांग रखा है और आग नीचे जल रही है, ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? इस बात पर बीरबल ने बहुत आराम से बादशाह अकबर से पूछा, क्यों नहीं पहुंचेगी हुजूर? जब महल की खिड़की पर रखे हुए एक दिए से गंगाधर को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी की हांडी तो फिर भी आग के बहुत नजदीक है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए हैं बीरबल। इसके बाद उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे 20 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। बीरबल की चतुराई के लिए उन्होंने बीरबल को भी इनाम दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरों की सफलता के पीछे किए गए परिश्रम को जाने बगैर उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।